हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैंने सुबह उठ के मेरा जो वर्कआउट था वो कंप्लीट किया है। थोड़े दिनों से, 5-6 दिनों से ये स्किप हो रहा था, क्योंकि 2 दिन तक चिकू की तबीयत ख़राब थी और कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। पर आज फाइनली टाइम मिला और आज हो गया। आज अच्छा खासा किया, 1.5 घंटे का किया। आज लग रहा है रूटीन टाइम पर आई है ऐसा। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और फिर नहा कर आके मैं मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी। मैं नहा कर हो गई हूँ कंप्लीट रेडी और अभी मैं शॉप पर नहीं जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा घर का काम है वो निपटा लेती हूँ, फिर शॉप पे जाते हैं। और आज मुझे फेशियल लेना है। आई होप आज टाइम मिले और हम फेशियल ले लें। तो बनाने घर पे आ जाऊँगी यूँ सोचा था, पर प्लान हो गया है कैंसल। और अभी मैं खाना वगैरह बना के फिर शॉप पर जाऊँगी। अभी बज रही हैं 10:03, तो 10:30 बजे तक खाना चिको और मेरे दोनों की खाना है। मम्मी पापा का खाना कहीं बाहर है, सो इसलिए तो हम दोनों का बना देती हूँ, फिर फटाफट से चली जाती हूँ शॉप पे। शॉप पे जाके बहुत सारे काम हैं, यानी बहुत सारे। कल वीडियो बनानी थी पर बना ही नहीं पाई। कल बारिश आ गई थी बहुत तेज़, और बारिश की वजह से चली जाती है लाइटें हमारे यहाँ पर, और इन्वर्टर पे भी एसी चल नहीं सकता है बहुत, क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए कल शूट करना कैंसिल कर दिया था। आज आई होप शूट हो जाए, क्योंकि मैं मेकअप का ट्यूटोरियल अभी अभी कोई बना ही नहीं पाई हूँ। 1-2 वीडियोज़ बना दी हैं पर वो एडिट करनी बाकी हैं, 1-2 दिन में डाल दूँगी, सोचा तो यही है। चलिए अब घर का काम कर लेती हूँ। अभी सब्जी काटने बैठी हूँ टिंडूर की। खाना बन गया है, टिंडूर की सब्जी और ब्रेड रोटी, दही सलाद, जो रोज का मेन्यू रहता है वो। तो फटाफट से खाना लगा देती हूँ, चिक्कू को भी खिला देती हूँ और जल्दी से जाती हूँ शॉप पे, क्योंकि बहुत सारा काम है। खाना तैयार है और मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। खाने में है तंदूरी की सब्जी, मैं कटिंग कर रही हूँ, ब्रेड रोटी, दही और सलाद। ये फिनिश करके आपसे मैं आ गई हूँ सैलून पे, और अभी मैं करवा रही हूँ फेशियल, क्योंकि मैंने फेशियल लिया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और थोड़े थोड़े से वाइट हेड्स आ गए, थोड़े थोड़े से डेड स्किन वगैरह जो होती है वो हट जाएगी, क्योंकि मैं फेशियल वैक्स नहीं करती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ग्रोथ ही नहीं है, सो ऑनली फॉर अपर लिप्स करती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर वगैरह डेड स्किन अगर जम जाती है, 1 महीने में एक बार तो ले लेती हूँ, पर अब भी 2 महीने हो गए लॉकडाउन की वजह से। मुझे भी टाइम नहीं था और सैलून भी बंद था और कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए तो चलिए मैं मेरा फेशियल करवाती हूँ। फेशियल मैं ले रही हूँ मिशेल का। मैं फेशियल पहले कभी भी नहीं कराती थी, ओनली फॉर मेरा जो सिटीएम था वही करती थी, पर जब से मेरे पास मिशेल का फेशियल आया तब से मैं मिशेल का फेशियल कर रही हूँ, और उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो एक तो टाइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग का काम करता है, एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। जो हमें डार्क स्पॉट है उनको भी रिड्यूस करता है, और हमारी जो फेस की फाइन लाइंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको भी रिड्यूस करता है। एक वीडियो में देखा था कि अपनी जितनी यानी नोज़ लंबी होती है उसी साइज़ का कान भी होते हैं, नाक भी होते हैं, लिप्स भी होते हैं, फॉरहेड भी होता है, चिन भी होती है। तो देखती हूँ क्या होता है। मेरी नोज़ है इतनी, हाँ फॉरहेड भी इतना है और ईयर भी इतना है और आइज थोड़ी छोटी है। इसके यहाँ पे हो रहा है मेरा फेशियल, और फेशियल कौन सा हो रहा है बता दें। अभी स्टार्ट हो जाएगा मेरा फेशियल, देखते हैं। अभी स्टार्ट हो गया है मेरा फेशियल, अभी बैंड पहनाएगी ज्योति मुझे। अभी हो रहा है मेरा फेशियल तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मैंने कैमरा भी जैसे तैसे करके सेट किया है, तो देखिए। फर्स्ट हमारा क्लेंजर जो है वो हो चुका है, स्क्रबिंग हो रही है फेस की। नेक्स्ट स्टेप है ये, यानी ये पूरा 7 स्टेप का है फेशियल, और बहुत अच्छे रिजल्ट है आप देखोगे। मेरे फेस की स्क्रबिंग हो गई है, ये स्टीम लेने की वजह से कैमरे पे फॉग जम रहा है, तो मैं मेरे फेस को अच्छे से स्टीम कर देती हूँ
और फिर ब्लैक हेड्स निकाल दूंगी, मेरे जो पोर्स है वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे, उससे मेरे ब्लैक हेड्स भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। फिर मैं कैमरा उठाती हूँ ताकि कैमरे के लेंस पर फॉग ना जमे। मैंने ब्लैक हेड्स अच्छे से रिमूव कर दिए हैं और वाइट हेड्स थोड़े से इधर गाल पे थे, नाक पे छोटे छोटे से थे, इधर चिन पे, इधर इधर हो गए कंप्लीट क्लीन। और अब लग रहा है मेरे फेस पे टोनर, क्योंकि ये 7 स्टेप फेशियल किट है, इसलिए इसमें फर्स्ट है क्लेंजिंग, सेकंड है स्क्रबिंग, थर्ड है टोनर। तो पोर्स भी ओपन हो गए तो टोनर अंदर चला जाएगा, तो हमारे फेस में डर्ट नहीं आएगी। और अब मेरे फेस पे लग रहा है हाइड्रेटिंग मसाज जेल, मिशेल का हाइड्रेटिंग मसाज जेल। मैं लास्ट में लेके आपको सारे कंप्लीट फेशियल किट बता दूंगी, अभी फेशियल हो रहा है इसलिए बता नहीं सकती। जेल से मसाज हो गई है और अब हो रही है क्रीम से मसाज। हमारी 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अब लग रहा है मास्क 6 स्टेप और 7 स्टेप है वो सनस्क्रीन है, तो ओनली फॉर फेस पे लगाने की है। अभी मास्क लग रहा है तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगी, तो मास्क लग जाने दीजिए। मास्क लग चुका है, मास्क लग गया है तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, तो मैं मास्क सूख जाने के बाद आपसे बात करती हूँ। जैसे ही यानी हम पैक क्लीन कर रहे थे, वैसे याद आया नहीं व्लॉग में बताना आई हूँ, तो फिर अभी व्लॉग चालू कर दिया, आधा फेस का क्लीन हो चुका है इसलिए। बहुत ही अच्छे से मेरा फेस क्लीन हो गया है, यानी मुझे पर्सनली इतना अच्छा लग रहा है ना, आप भी देख सकते हो पास में से, नोज़ पे जितने ब्लैक हेड्स थे वगैरह सब रिमूव हो गए। और अभी मुझे लगाना है सनस्क्रीन जो इसी के साथ है। आज क्या रिलैक्सेशन लग रहा है, यानी ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हो फेशियल हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाएंगे घर पे क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो गया। और क्लोजिंग के टाइम होने से पहले, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने ये वाला फेशियल यूज़ किया मिशेल का और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब चलेंगे घर पे। मैं आ गई हूँ घर पे और देखो हमसे मिलने कितनी प्यारी प्यारी एंजल आई है। तो ये 2-3 दिन हमारे घर पे रुकने वाली है, रुकने वाली है 2-3 दिन, ठीक है। तो अपन बहुत सारी मस्ती करेंगे इसके साथ में। तो अभी जा रहे हैं वीडियो शूट करने और साथ में प्रिंस भी आ रही है। दिन मिली नहीं, सारा ऐसे ही रफली डाल के लेके आ गए। और ये तुम्हारा पार्सल भी आया। ओके चलो प्रिंस अंदर, धीरे से आओ, माथे पे लग नहीं जाए, शटर आधा ही खुला है। ये खोलो गेट, ये पकड़ना इतना। तो क्या लाया था, काम ही नहीं आ रही थी, आज वीडियो आखिर शूट होगी। देखा हमारा स्टूडियो, स्टूडियो को ठंडा होने के लिए रख दिया था और वास्तव में ऐसे काम कर रहा है। तो पूरा सेटअप लग गया है, सब चीज़ें भी बाहर निकल गई हैं और चिकू ने ये पार्सल मेरे लिए ऑर्डर किया था। अब मैं ये पार्सल ऑर्डर किया था बोल रहे हैं, अभी अभी खोल के बताओ। तो खोल देते हैं, छोटी सी चीज है, इतनी बड़ी पैकिंग है। मेरे मेकअप में हेल्प करने वाली चीज़ है, यानी आईलैशेस फिक्सर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूरतों को कैसे समझ लेते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आईलैशेस फिक्सर है। अब आज इससे आईलैशेस लगाएंगे, देखते हैं कैसा है, आपको मेरी इस वीडियो में इसका रिव्यू भी मिल जाएगा।
मस्त लग रहा है। तो कोई देरी ना करते हुए ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको हम बाय बाय बोलते हैं, ट्यूटोरियल बनाने के बाद मिलेंगे। सस्पेंस रिवील नहीं होना चाहिए ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो लेट जाती है, जल्दी जाती है, मज़ा नहीं आता है इसके लिए, इसलिए आपको हम बताते ही हैं। तो बाय बाय। अब मैं मेरे फेस की करेक्टिंग कर दूंगी। करेक्टर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का जॉकी करेक्टर, और इसमें करेक्टर में हो गया मेरा मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट। और लेट हो गई इसलिए मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, डायरेक्ट अब घर जाके ही करूँगी, तो पूरा तो दिखाने वाली नहीं हूँ मैं, इसलिए चलिए घर पे चलते हैं और खाना भी खाना और बनाना भी है। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्रिंसी के साथ मस्ती कल होगी, आज नहीं होगी। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने घर पे आके, खाना वाना खाया और अब हो गया सोने का टाइम, और प्रिंसी के भी सोने का टाइम हो गया है। तो ओके बाय। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में प्रिंसी के साथ मस्ती करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।